दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भारत एग्रीटेक में। आज हम उसी सिलसिले में आए हैं जहां पे हमने ये कोल्ड प्रेस मशीन दी है, मैडम ने ये मशीन ली है। तो आज हम मैडम से इस मशीन के बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं। 6-7 महीने स्टडी किया उसी का, और स्टडी करके मैंने लातूर से ये मशीन खरीदी। मैं किसान का भी तेल निकाल के देती हूँ। किसान मेरे इधर करडई और मूंगफली, तिल, खोबरा सब लेके आते हैं। तो मैं उसे 10 रुपये केजी निकाल के देती हूँ। उसकी खेल होती है, वो भी उसी को देती हूँ, और तेल भी उसी को देती हूँ। खाली मैं 1 केजी को 10 रुपये लेती हूँ। लेकिन मैं ये पूछ रहा था कि अगर आप 10 रुपये किलो देंगी तो आपको ये कैसे बिजनेस फायदे में रहेगा? मैं 40 केजी मूंगफली का तेल निकालने के लिए मुझे खाली आधा घंटा लगता है। आधा घंटा लगता है, यानी कि मेरे इधर 8 घंटे लाइट होती है, 3-फेज लाइट जी, MSEB की जी। तो 8 घंटे में मेरा 6400 का बिजनेस होता है। तो सपोज एक किसान ने मेरे पास 4 केजी मूंगफली लाई, तो 4 केजी मूंगफली के आज के रेट से 50 रुपये केजी, तो कितने हो गए, 200 रुपये में 4 केजी आएगी। और उसका मेरे इधर का तेल निकालने का चार्जेस है 10 रुपये, तो 4 केजी का होगा 240। तो 240 से मैं उस किसान को 1 केजी तेल और 3 केजी खल मिलती है। तो खल का रेट है 40 रुपये केजी मेरे इधर। गांव में तो दुकान में 50-60 रुपये केजी है। तो चलो किसान का है, उसी का खेत का है, तो 40 रुपये केजी पकड़ेंगे। 40 रुपये से 3 केजी का होगा 120 रुपया, और तेल उसे कितने को पड़ा, खाली 120 रुपये में। तो पाम तेल तो 150 को मिलता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं तो ये सोचूंगी कि नौकरी के पीछे मत भागो, तुम तो खुद का बिजनेस बनाओ। युवा पीढ़ी जो नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, तो नौकरी में कितना मिलेगा, 1 महीने का तनख्वाह होगा 15,000-20,000 ज़्यादा से ज़्यादा। वो जब रिटायर होंगे, रिटायरमेंट तक उनका क्या होगा, तरक्की होके होके ज़्यादा से ज़्यादा 80,000 तक जाएगा। लेकिन वो सोसाइटी निकाल के क्या करेंगे, एक बंगला बनाएंगे, एक गाड़ी लेंगे और बच्चों का पढ़ाई करेंगे। लेकिन बिजनेस में जो तुम जब उतरेंगे तब क्या होगा, तुम्हारा 10 साल में सपना पूरा होगा। और गृहिणी के बारे में तो ये बिजनेस बहुत अच्छा है। गृहिणी अकेली ही ये कर सकती है। जब किसान अपने खेत में जो खेत से जो मूंगफली करडई वो निकालते हैं, उससे जो तेल निकाल के बिजनेस करेंगे तो मुनाफा ज़्यादा होगा, और उनकी जो तरक्की भी होगी, अच्छी तरक्की होगी, तो उनके जो सपने हैं, जो ख्वाब है, वो पूरे हो जाएंगे। दाल मिल अच्छी चलती थी, लेकिन उसी को मैन पावर ज़्यादा लगती थी, 5-6 आदमी लगते थे, और मैन पावर के बहुत प्रॉब्लम होते थे। एक आदमी नहीं आया तो सब काम डिस्टर्ब होता था। तो ऐसा ऑयल मिल में नहीं है, कोई लेबर नहीं आया तो मैं खुद चलाती हूँ, तो बिजनेस ठहरता नहीं है, चालू रहता है। एक मशीन एक नंबर है। मैं जब मुझे ऑयल मिल चालू करने का मेरे ख्याल में आ गया, तो मैंने सोचा कि अब सर्वे कर लूँ। तो मैंने बहुत जगह सर्वे किया,
मैं लातूर में भी सर्वे के लिए गई थी, तो लातूर में मुझे भारत एग्रोटेक का मशीन अच्छी लगी और मैंने उसी टाइम बुक कर ली और मुझे पसंद में आ गई और मैं 5 जून 2021 से अब तक ये मशीन चला रही हूँ, कुछ भी दिक्कत नहीं है। बड़ी आसानी से अपने घर में आप देख सकते हैं, इतने छोटे शेड में मैडम ने तो घर के बाजू में वो पुराना दाल मिल का शेड था उसी के बगल में ये छोटा शेड लगा के ये बिज़नेस शुरू किया है और अभी मैडम ये कंटिन्यू ये बिज़नेस कर रहे हैं। आपको अधिक जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।